StudyIQ में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश लिटरेरी वर्क्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम विलियम गोल्डिंग के एक इम्पॉर्टेंट नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को कवर करेंगे। विलियम गोल्डिंग एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं और इन्हें कहा गया था वन ऑफ द टॉप 50 ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट एवर सिंस 1945 और इन्हें नोबेल प्राइस फॉर लिटरेचर से भी सम्मानित किया गया था। इनकी किताब राइट्स ऑफ पैसेज को बुक ऑफ प्राइस दिया गया था। यहाँ पर हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को कवर करेंगे। हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वर्क है तीन पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम विलियम गोल्डिंग उनके लाइफ और उनके वर्क्स को जानेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी लेखक अगर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है या बुक ऑफ प्राइज उन्हें मिलता है या बुक ऑफ प्राइज़ की नॉमिनेशन मिलती है तो वो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा जाते हैं। उनके अदर अन्य वर्क्स भी पूछे जाते हैं। इवन दो विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं लेकिन उन्होंने कई और अन्य वर्क्स लिखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम विलियम गोल्डिंग की लाइफ और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की समरी और प्लॉट एनालिसिस को कवर करेंगे जहाँ पर हम अच्छी तरह से समराइज करेंगे और देखेंगे कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किससे इन्फ्लुएंस थी। और थर्ड पार्ट में फाइनली हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे, हम क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को कवर करेंगे। तो थर्ड पार्ट में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपके जो क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फेमिनिज्म मार्क्सिज्म साइको एनालिसिस वो भी आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तीनों के पार्ट के माध्यम से हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हुए पहले पार्ट में जहाँ पर हम विलियम गोल्डिंग की लाइफ उनकी जीवनी एक तरह से देखेंगे जो कि थोड़ी बहुत पूछी जाती है और साथ ही साथ में उनके कार्यों को अन्य कार्यों को भी देखेंगे क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। विलियम गेरल्ड गोल्डिंग ये इनका पूरा नाम था। ये इनका टाइम क्रोनोटोप है 1911 to 1993। एक बहुत ही फेमस लाइन इन्होंने कही थी जिसकी वजह से ये आज भी जाने जाते हैं, द ग्रेटेस्ट आइडियाज़ आर सिंपलेस्ट। सो ये काफ़ी प्रसिद्ध लाइन हो गई थी और इसी के बाद काफ़ी सारे लोग कहते भी हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है या लिटरेचर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखा गया है वो लिटरेचर अक्सर कोशिश करता है कि सिंप्लीफाई कर सके और स्टिल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वो जाहिर कर पाए। हम लोगों ने जैसा शुरुआती टाइम में कहा कि विलियम गेरल्ड गोल्डिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फॉर लिटरेचर और इन्हें बुकर प्राइज़ भी दिया गया था फॉर हिज वर्क राइट्स ऑफ पैसेज। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कई बार आप देखेंगे कि आपके एग्जाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बुकर प्राइज़ किसके लिए मिला है, तो राइट्स ऑफ पैसेज जो उनका उनकी किताब है उसके लिए उन्हें बुकर प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ दिया जाता है एक राइटर के ओवर के लिए यानी कि उनके सारे जो कार्य हैं उनके लिए दिया जाता है, जबकि बुकर प्राइज एक पर्टिकुलर वर्क के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ इनके बारे में डिस्कस करते हुए विलियम गेरल्ड गोल्डिंग की जो माता थी वो एक सफ्रेज कॉज से एसोसिएटेड थी, विमेन की जो सफ्रेज मूवमेंट है ताकि विमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स दिए जाएं उससे एसोसिएटेड थी। हमारी एक और लेखिका वर्जीनिया वुल्फ ने भी काफ़ी कार्य करा था, लिखा भी था विमेन सफ्रेज से एसोसिएटेड, क्योंकि 20th सेंचुरी में ही 1920s में हम देखते हैं पर्टिकुलरली 1928 में इंग्लैंड में पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया जाता है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि हमेशा से ही विलियम गोल्डिंग की रुचि लिटरेचर में रही थी लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वो गए थे और वो रॉयल नेवी के पार्ट थे। सो वर्ल्ड वॉर टू जब उसकी शुरुआत हुई थी तो गोल्डिंग ने ज्वाइन कर लिया था रॉयल नेवी को। और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में भी वर्ल्ड वॉर टू का जो उनका एक्सपीरियंस था उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है ये किताब। सो वर्ल्ड वॉर टू के शुरुआती दौर पे इन्होंने रॉयल नेवी को ज्वाइन किया जहाँ पर इन्होंने 5 साल तक सेवा करी और उसके बाद वर्ल्ड वॉर
वॉर के बाद और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के बाद गोल्डिंग ने सेटल डाउन कर लिया फॉर अ पीसफुल परस्यूट. तो उन्होंने अधिकतर अपना सारा टाइम व्यतीत किया टीचिंग में और राइटिंग में, ये इनकी दो रुचियाँ बन गई थी. तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद इन्होंने अपना अधिकतर काम जो था वो टीचिंग से रिलेटेड रखा या राइटिंग से रिलेटेड रखा. और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, ये इन्होंने पब्लिश करी 1954 में. और जब इन्होंने ये पब्लिश करी तब इनकी आयु 43 ईयर्स के ये थे जब इन्होंने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954 में पब्लिश करी. ये बुक काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी. ईएम फॉस्टर जो कि जिन्होंने प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं जैसे कि अ पैसेज टू इंडिया और उस टाइम के काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेखक थे, तो ईएम फॉस्टर ने भी कहा कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक आउटस्टैंडिंग नॉवल है उस साल की. तो 1954 की आउटस्टैंडिंग नॉवल ये ईएम फॉस्टर ने इसे घोषित कर दिया. रीडर्स भी काफ़ी खुश थे इस पर्टिकुलर नॉवल से. उन्होंने कहा था कि ये नॉवल एक फोर्सफुल एलिगरी है अबाउट द ईविल इनहेरेंट इन द ह्यूमन हार्ट. अब देखिए यहाँ आपको क्या याद रखना है, यहाँ आपको याद रखना है कि 20th सेंचुरी में आपका जो वर्ल्ड वॉर वन हो रहा है और वर्ल्ड वॉर टू हो रहा है वो एक तरह का बता रहा है कि मैनकाइंड इज़ एक्चुअली, मैनकाइंड में जो काइंड वर्ड हम एसोसिएट कर देते हैं वो क्वेश्चनेबल है क्योंकि मैन हैज़ एंगेज्ड इन हीनियस क्राइम्स ये वर्ल्ड वॉर के फॉर्म में. तो डेफिनेटली ईविल इनहेरेंट है मैनकाइंड के अंदर. तो यही चीज़ रीडर्स कह रहे हैं कि ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक एलिगरी, एलिगरी यानी कि एक पैराबल. पैराबल का क्या अर्थ होता है कि कहानी एक्चुअल में आपको सिर्फ कहानी नहीं बता रही है बल्कि उससे जुड़े हुए कंटेम्प्ररी मुद्दे भी बता रही है क्या क्या हो रहा है. तो कहानी के नीचे एक तरह का आपको और एक दूसरे सरफेस लेवल पे एक और कहानी पैरेलल मिलेगी. तो सिंपल कहानी है लेकिन नीचे ही अगर आप करोड़ते हैं या एनालिसिस करते हैं उस टेक्स्ट का तो आपको और ज़्यादा अधिक चीज़ें पता चलेंगी. तो ये फोर्सफुल एलिगरी है, पैराबल है अबाउट ईविल जो कि इनहेरेंट है ह्यूमन हार्ट में. दैट मीन्स By nature we are all evil. फ्रेडरिक नीत्से भी यही कहते हैं, नीत्से भी यही कहते हैं क्योंकि सामाजिक प्रेशर्स की वजह से हम एक मास्क पहन लेते हैं, एक मुखौटा पहन लेते हैं, अदरवाइज इनहेरेंटली हम सभी लोग evil की तरफ ही जाएंगे. अगर कोई हमें देखेगा नहीं, सर्वेलेंस नहीं होगी तो हम evil के प्रति ही जाएंगे. अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जैसा हम लोगों ने कहा ये बहुत ही सक्सेसफुल नॉवल थी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. इसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉपीज सेल हो गई थी और ऑफ कोर्स इसकी एक मोशन पिक्चर भी बनी हुई है. तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी. सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसका प्लॉट समरी और थर्ड पार्ट में हम इसे क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे. लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम विलियम गोल्डिंग की लाइफ और अन्य वर्क्स पे फोकस डालेंगे. तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के बाद जो सेकेंड नॉवल आई थी वो गोल्डिंग की बहुत ही चहीती नॉवल थी एंड दिस फेवरेट नॉवल और द सेकेंड नॉवल ऑफ गोल्डिंग इज द इनहेरिटर्स. द इनहेरिटर्स का काफ़ी हद तक सेम थीम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की तरह कि मैनकाइंड को दिखाना कि इनहेरेंटली उनमें बुराइयां हैं, वो ईविल है और वर्ल्ड वॉर्स जो हैं वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है दिखाने का कि मैनकाइंड इज़ नॉट समवन हु इज़ इनफैलिबल, बहुत ही ज़्यादा फैलिबल हैं, बहुत ही ज़्यादा कल्पेबल हैं. तो काफ़ी सिमिलर थीम थी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की तरह ही. और क्रिटिक्स ने कहा था इट इज़ एन ईसोटेरिक अकाउंट रिटन इन सिंपल डायरेक्ट प्रोज. ईसोटेरिक दैट मीन्स के अंडरस्टूड बाय फ्यू. ईसोटेरिक का अर्थ क्या होता है, ऐसी चीज़ दैट इज़ अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू पीपल. लेकिन ऐसी किताब भी बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई है इनहेरिटर्स. ये स्टोरी है प्री हिस्टोरिक आदमियों के बारे में, मैन के बारे में जो कि थिंक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ विजुअल इमेजेस से. क्योंकि आपको याद रखना है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो कहानी दिखा रहे हैं वहाँ पर लैंग्वेज अभी तक आई नहीं है, तो किस प्रकार से वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वो विजुअल इमेजेस के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं. इस नॉवल को थेमेटिकली कहा जाता है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की कंपेनियन नॉवल है. कंपेनियन नॉवल यानी कि एक साथ आप इन्हें पढ़ सकते हैं. अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप अपने आंसर्स को और रिच बनाना चाहते हैं तो आप इनहेरिटर्स को भी मेंशन कर सकते हैं.
इवन दो आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ही अगर सिलेबस में है, फिर भी आप थोड़ा बहुत इनहेरिटर्स को मेंशन करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा अधिक मार्क्स भी मिलेंगे. नाउ यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इनहेरिटर्स और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये दोनों, इनकी जो फर्स्ट और सेकेंड नॉवल जो है ये बताना चाह रही है दैट मैन इज़ बॉर्न ईविल एंड इज़ डेस्टिन्ड टू रिमेन ईविल. अब यहाँ आपको याद रखना है कि थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं. थॉमस हॉब्स ने भी यही कहा था दैट मैन इज़ एक्चुअली अ लिवाइथन, मैंस लाइफ इज़ नैस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट. दैट मीन्स कि ये जो थॉमस हॉब्स थे जिन्होंने कई साल पहले लिखा था, उन्होंने भी यही कहा था कि मैनकाइंड जो है उनमें कोई काइंडनेस नहीं है, मैन एक्चुअल में मॉन्स्टर है, लिवाइथन है, और मैन की जो लाइफ है वो क्या है, वो है नैस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट. तो इवन दो हमें पता है कि हम मरेंगे लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वी इंगेज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैल प्रैक्टिस is evil, क्योंकि हम inherently savage हैं, हम inherently आदि मानव की तरह ही बिहेव करते हैं चाहे कितना भी हम मास्क क्यों ना पहन लें. तो पहली दोनों नॉवल्स का मेन थीम है कि हम लोग पैदा ही evil से होते हैं और हम रिमेन करते हैं evil. गोल्डिंग की ये जो pessimistic इमेज है ये इसलिए भी आ रही है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर को बहुत नज़दीकी से देखा था, पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर टू को बहुत नज़दीकी से देखा था. तो इसीलिए इनके प्रति बहुत ही इंपॉर्टेंट पेसिमिस्टिक व्यू है मैन के नेचर को लेके. तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और इनहेरिटर्स में हमें क्लियर एविडेंस मिलता है गोल्डिंग की पेसिमिस्टिक व्यू के बारे में, मैनकाइंड के नेचर और फेट के बारे में. वर्ल्ड वॉर टू जो था वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था गोल्डिंग के ऊपर. और आपको यहाँ याद रखना है कि इन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए, ये इन्होंने न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून में ये इंटरव्यू दिया था और इन्होंने कहा था, जहाँ से एक सर्प्ट ये आप देख सकते हैं, द वॉर वॉज ओवरवेलमिंग एविडेंस दैट द ईविल इन मैन कुड नॉट बी ईजिली एक्सप्लेन्ड अवे, a hell of a lot in the war that can't be accounted for except on the basis of original evil. तो वो यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रभावित थे वॉर से कि वो कह रहे थे कि mankind is driven towards evil. वो savage चीज़ें करेंगे, वो कभी भी kindness नहीं दिखाएंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली दो novels में जो pessimistic view मिलता है वो Golding के second world war के experience से directly आ रहा है. तो ये तो बात हो गई Lord of the Flies और Inheritors की. अब पिंचर मार्टिन विलियम गोल्डिंग की तीसरी नॉवल थी जो पब्लिश की गई थी 1956 में. अब ये जो स्टोरी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इवन दो उन्होंने स्टार्ट बहुत देर में किया, 43 इयर्स की एज में उनकी पहली नॉवल आई, लेकिन उसके बाद क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया था टीचिंग और राइटिंग के लिए तो ये थोड़े ही अंतराल में इंपॉर्टेंट नॉवल्स को पब्लिश किए जा रहे हैं. पिंचर मार्टिन कहानी है एक नेवल ऑफिसर की जो कि शिप में आ जाते हैं अटलांटिक ओशन. सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ नेवल ऑफिसर फ्लोटिंग इन द अटलांटिक ओशन. ये अटलांटिक ओशन में होते हैं और इनकी जो शिप है वो टॉर्पीडो की वजह से, नेचुरल हजार्ड की वजह से, आफ्टर द शिप हैज़ बीन स्ट्रक बाय अ टॉर्पीडो, ये ऑफिसर को पहुंचा देती है एक बैरन रॉक की तरफ. इवेंचुअली ये अपनी मेमोरी लॉस कर देते हैं, इनकी एक मेमोरी लॉस हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है. लेकिन ये कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए पिंचर मार्टिन ये स्टोरी है नेवल ऑफिसर की जो अटलांटिक ओशन में होते हैं और स्टॉर्म की वजह से, टॉर्पीडो की वजह से एक बैरन रॉक के पास आ जाते हैं. और जब ये अकेले होते हैं तो ही इज़ एक्चुअली अ सॉलिटरी कैरेक्टर. आपको याद रखना है कि गोल्डिंग की अधिकतर नॉवल्स में सॉलिटरी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं क्योंकि गोल्डिंग ये मानते थे कि मैन का जो लड़ाई है वो अकेले ही लड़नी है, सॉलिटरी होके ही लड़नी है. तो ये सारे सॉलिटरी कैरेक्टर्स हैं और नेचर की वजह से ये जब अकेले में आ जाते हैं, एकांत में आ जाते हैं, तो ये जो बातचीत करते हैं, ये बातचीत कैसे करते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं इंटीरियर मोनोलॉग. ये बातचीत करते हैं इंटीरियर मोनोलॉग के फॉर्म में. इंटीरियर मोनोलॉग, मोनोलॉग मतलब आप खुद से ही बात कर रहे हैं, इंटीरियर यानी कि आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी लाइफ को. तो ये कैरेक्टर्स एकांत में होके अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने कोई खास कार्य नहीं किया या किया भी तो बहुत ही बुरे कार्य किए,
तो ये एक तरह से गोल्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट एम बन जाता है। तो ये कहानी, जैसा हम लोगों ने कहा, नेवल ऑफिसर की है जिनकी अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती है। वो अपनी मेमोरी को भी खो देते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ये शॉक थी स्टंड। और ये आपको याद रखना है कि वर्जीनिया वुल्फ भी मिसिज डैलोवे में दिखाती हैं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सेप्टिमस स्मिथ कि वो पागल हो गए हैं, ही स्टंड बाय द हीनियसनेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स। तो यही चीज़ आप देखेंगे गोल्डिंग की नॉवल्स में भी बहुत बार रिपीट हो रहा है। एक कारण ये भी है कि इसीलिए हम राइटर की लाइफ में रुचि रखते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि जो कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी ही लाइफ से इंस्पायर्ड भी होते हैं। फ्री फॉल इनकी चौथी नॉवल थी और फ्री फॉल के जो प्रोटैगनिस्ट थे, फ्री फॉल के प्रोटैगनिस्ट थे सैमुअल मॉन्टजॉय, जो कि सैमुअल मॉन्टजॉय जो प्रोटैगनिस्ट थे ये इम्प्रिजन कर दिए गए थे, इन्हें जेल में डाल दिया गया था नाजीज के द्वारा, और ये अवेट कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर फेस करने के लिए, क्योंकि जेल में बंद होने के बाद आपको बहुत टॉर्चर फेस करना पड़ता है, और इसीलिए इनको लेके जाया जाता है ब्लैक होल में जो कि एक प्रिजन है। और पिंचर मार्टिन जो हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने पहली नॉवल पिंचर मार्टिन में देखा था, उसी तरह से सैमुअल मॉन्टजॉय भी देखते हैं पास्ट को, देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी लाइफ को व्यतीत किया। सो ही ड्वेल्स ऑन द इवेंट्स ऑफ हिज पास्ट वेरी मच लाइक पिंचर मार्टिन, बिल्कुल सिमिलर लाइक पिंचर मार्टिन। और इसीलिए ये एक तरह से जब अपनी बातचीत कर रहे होते हैं, देखिए गोल्डिंग जो हैं वो हमें इनसाइड द माइंड लेके जाते हैं। व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ टेकिंग अस इनसाइड द माइंड ऑफ कैरेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं गोल्डिंग के, गोल्डिंग इज हैविंग सॉलिटरी कैरेक्टर्स, और इसीलिए ये इंटीरियर मोनोलॉग की टेक्निक को फॉलो करते हैं। अब इसके बाद आई थी गोल्डिंग की नेक्स्ट नॉवल द स्पायर 1964 में, और स्पायर के प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो डीन हैं कैथीड्रल में, हेड हैं कैथीड्रल में, और ये प्रोटैगनिस्ट चाहते हैं कि वो इरेक्ट करें ग्रेट स्पायर। स्पायर क्या होता है, जैसे आप ये चित्र में देख सकते हैं इस तरह की बिल्डिंग को स्पायर कहा जाता है, और ये प्रोटैगनिस्ट चाहते हैं कि वो एक ग्रेट स्पायर क्रिएट करें, लेकिन बाकी लोग इनके कार्य को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम थी द स्पायर नॉवल की। इसके बाद हॉट केक्स एंड अदर ओकेजनल पीसेस, पिरामिड हो गया, द स्कॉर्पियन गॉड हो गया, ये सारे के सारे वर्क्स पब्लिश किए गए थे। द स्कॉर्पियन गॉड में कलेक्शन थी ये तीन लॉन्ग स्टोरीज़ की, और तीनों ही स्टोरीज़ अलग अलग जगहों पे स्थित थी, एक एंशंट इजिप्ट में थी, एक प्री हिस्ट्री में थी, और तीसरी रोमन एम्पायर में थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद डार्कनेस विजिबल आई थी, डार्कनेस विजिबल 1979 में आई थी, और ये कहानी जो थी इट वॉज डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ एंट्रोपी, ये डील कर रही थी विद द सब्जेक्ट ऑफ एंट्रोपी। अब एंट्रोपी होता क्या है, एंट्रोपी एक थ्योरी है, और ये थ्योरी किस पे डील करती है, दिस थ्योरी इज डीलिंग विद द टेंडेंसी कि जो यूनिवर्स है हमारा, ब्रह्मांड जो है वो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो प्रलय की तरफ मूव कर रहा है, डिसऑर्डर की तरफ मूव कर रहा है, इस थ्योरी को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो डार्कनेस विजिबल ये बता रहा था कि किस प्रकार से द डार्कनेस इज क्लियरली विजिबल, सबको विजिबल होता है डार्कनेस, सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर वर्क वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये आपने ध्यान रखना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि गोल्डिंग के काफ़ी सारे वर्क्स जो इम्पॉर्टेंट थे उसकी वजह से इन्हें मैवरिक भी कहा जाता था, मैवरिक नॉवलिस्ट, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी पीसफुल रही थी, ये आर वेरी क्वाइट एंड स्टेबल लाइफ, और इन्होंने विल्टशायर इंग्लैंड में अधिकतर अपनी लाइफ को व्यतीत किया। तो पर्सनल लाइफ में एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी जिसने इन्फ्लुएंस किया एक्सेप्ट फॉर द प्रोफेशनल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो यहाँ पर हम लोगों ने गोल्डिंग की लाइफ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स को देखा। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़कर उसे सॉर्ट कर सकते हैं, या आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज को।